नमस्कार, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द फंटूश के एक नए एपिसोड में। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग, विक्रम लैंडर का क्रैश होना, इन सभी चीजों को 22 जुलाई को एक साल पूरे हो गए। लेकिन इसी बीच इसरो से एक अच्छी खबर यह आई है कि अब चंद्रमा के लगभग 60% ध्रुवीय क्षेत्रों की मैपिंग ऑर्बिटर ने कर ली है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मिले डेटा के आधार पर अगले लगभग एक वर्ष में भारत यह अनुमान लगाने की स्थिति में होगा कि चांद पर कहां कितना पानी है। इसी बीच इसरो के चेयरमैन के सिवान ने कई जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया है कि पहली बार चंद्रयान 2 में डुअल फ्रीक्वेंसी बैंड पॉलीमेट्रिक रेडार लगाया गया है। इसके मदद से सतह से लगभग 4 मीटर की गहराई तक डेटा हासिल किया जा सकता है। दुनिया में अभी तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। डेटा के जरिए हम अगले एक साल में यह अनुमान लगाने में सफल होंगे कि चांद पर कहां कितना पानी है। इसरो के बाहर देश के कम से कम 40 विश्वविद्यालयों में 60 से भी अधिक वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। ऑर्बिटर अभी कई वर्षों तक चांद की परिक्रमा करेगा। इसमें लगे 8 उपकरण बिल्कुल सटीक ढंग से काम कर रहे हैं। मिनरल मैपिंग व चंद्रमा के सतह के एलिवेशन मॉडल का काम चल रहा है। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने एल्यूमिनियम व कैल्शियम के स्पष्ट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भेजे हैं। कुछ मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, टाइटेनियम और सिलिकन के भी संकेत मिले हैं। लेकिन ये मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद हैं, इसका अंदाजा लगाने में वक्त लगेगा। कोरोना का असर स्पेस मिशंस पर भी पड़ा है। सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि वे अपने खर्चे घटाकर 60% तक ले आएं। अब किसी भी बजट को खारिज या खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। गगनयान हमारी प्राथमिकता है। इसकी डिजाइन का काम पूरा हुआ ही था कि लॉकडाउन हो गया। इसकी वजह से हमारी गतिविधियां धीमी पड़ गईं। हम उद्योगों के वापस शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट अनमैन्ड फ्लाइट के पहले हमें इंजन टेस्ट सहित कई परीक्षण करने थे, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया। इसी वजह से इस वर्ष दिसंबर में तय की गई फर्स्ट अनमैन्ड फ्लाइट स्थगित कर दी गई। लेकिन अभी भी हमें यह उम्मीद है कि गगनयान के अगस्त 2022 से पहले फाइनल फ्लाइट के लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे। मार्च में GSAT-1 की लॉन्चिंग रद्द होने के बाद इसके सैटेलाइट व रॉकेट दोनों को सेफ मोड में रखा गया है। 3 और सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी लॉन्चिंग संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए लोगों को तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु से श्रीहरिकोटा आना पड़ता है। साथ ही हार्डवेयर्स को भी विभिन्न हिस्सों में लाया जाता है। उद्योग बंद हैं, जिसकी वजह से रॉकेट सैटेलाइट्स के कल पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं। इसरो को जो नया फैब्रिकेशन चाहिए उसमें समय लगेगा, इसलिए अभी यह बताना कठिन है कि स्थिति कब सामान्य होगी। फिलहाल इसरो का फोकस रिसर्च पर है। ऑपरेशनल मिशंस NSIL कंडक्ट करेगा। इसरो प्रमुख ने कहा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के गठन के जरिए सरकार ने अंतरिक्ष गतिविधियों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। ऑपरेशनल और कमर्शियल मिशंस अब NSIL को करने हैं। इसरो का फोकस अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। विज्ञान जगत से जुड़े ऐसे ही तमाम न्यूज अपडेट्स रेगुलरली पाते रहने के लिए हमारे चैनल द फंटूश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।